लोकल गवर्नमेंट चाहे हमारे विधायक जी चाहे सरकार किसी प्रकार का कोई दूसरी चीज भेजवा सुनिए। जैसे गवर्नमेंट का एक रूल है, एक मिनट बाद में सुन लीजिए, भैया तो यही होगा आप व्यक्ति के नाम पर उसको चुनिए जो अच्छा आदमी हो आपके बीच खड़ा हो रहा है। योगी मोदी के नाम पर वोट देंगे तो यही होगा, खाद नहीं मिलेगी समय से, पानी नहीं आएगा नहर में, नहर सब खुदवा दिए उसको बना दिए सब नदी, सबसे बेकार गवर्नमेंट है ये जी, सबसे बेकार गवर्नमेंट, इससे बेकार गवर्नमेंट को हम किसान हैं जी, तो किसानों को, किसान विरोधी सरकार है ये, न उनको समय से वो मिलेगा, 50 किलो यूरिया था और उसको 45 किलो कर दिए, रेट वही रह गया, और किसान अगर आंदोलन करने पहुंचे तो उनको आतंकवादी, पाकिस्तानी और अलगाववादी कहा गया। गरीबन के विषय में आप लोग नहीं बचियाए, गरीब का करता का नहीं करता, अबे बोला नहीं हम वहाँ से, हमके सुनाई दिया ला, अपन समय का बोला रहनी है, दूसरे और भी आपके बतिया हम सुनत रही है, तुरंत खट हाँ ये बताई है, देखता नहीं भूखे मरता नहीं, कपड़ा बगैर मरता नहीं, बाल गोपाल मरता खैले बगैर, मोदी सरकार के रहले का फायदा बा हमके, रोड पर के रहले का फायदा बा हमके, और ऑक्सीजन से मौत हुआ कि नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल हुआ, आप कार्यकर्ता जिस तरह योगी आदित्यनाथ पदाधिकारी होंगे तो निकाल दिया जाएगा, नहीं नहीं जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी ने सहमत है प्रदेश के लोगों का, बहुत अच्छा काम किया, बहुत नहीं योगी जी कहते हैं कि ऑक्सीजनवा से मौत हुए नहीं हुआ, नहीं नहीं बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की क्या कर, गवर्नमेंट की बात कहेंगे, जिस गवर्नमेंट के शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री के पास कहता है कि हमारे पास आंकड़ा ही नहीं है कि कोरोना से मृत्यु हुआ कि नहीं, और पूरे इंडिया के लोग पूरे विश्व के लोग जानते हैं कम से कम 4,90,000 लोग कोरोना से मरे, लेकिन जिस सरकार में उसके स्वास्थ्य मंत्री के पास आंकड़ा ही नहीं रहता है, वह बयान देता है कि मेरे पास आंकड़ा ही नहीं है कि लोग कोरोना से मरे हैं, तो सरकार की क्या बात करेंगे सर। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी, इस समय हम खड़े हुए हैं सिसवा विधानसभा में, यहां के विधायक हैं प्रेम सागर पटेल, अब वो कितना काम किए हैं हम लोगों से बात करेंगे, यूपी के लोग चाहते क्या हैं, यूपी के किसान क्या चाहते हैं, यूपी के व्यापारी क्या चाहते हैं, गोरखपुर लाइव लगातार चुनावी सर्वे कर रहा है, हम 403 विधानसभा में जा रहे हैं और लगातार लोगों से पूछ रहे हैं उनकी समस्या, सिसवा विधानसभा में है तो यहाँ का ज्वलंत मुद्दा क्या है लोगों से ही जानेंगे। क्या नाम है आपका? रमेश प्रसाद। प्रसाद जी, विधायक जी प्रेम सागर पटेल जी हैं जी, बीजेपी के विधायक हैं जी जी, काम किए हैं कि नहीं किए हैं? काम किए हैं लेकिन लगभग जितना चाहिए उस तरह का काम नहीं किए हैं, कारण यह है कि यहाँ के जनता के लिए समय से पानी चाहिए, समय से बिजली चाहिए, समय से बिजली तो मिल रहा है लेकिन बेहतर जो है CSC बना हुआ है, वहाँ डॉक्टर कोई अच्छा बैठने वाला नहीं है, यहाँ सविया टू लेकर के सिंदूरिया तक रोड जो है जर्जर टूट गया है, कोई उस पर पूछ रहा है हम समझ में नहीं आ रहा है, रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है? अच्छा, रोड में गड्ढा है, गड्ढा, प्रदेश सरकार तो कहती है कि जो है सड़क जो है एकदम फ्रेश है जी, एक नंबर का सड़क जी, सड़क हम लोग आ भी रहे तो सड़क की स्थिति बेहतर है, नहीं जाकर देखिए अब यहाँ से कहीं आना होते गाँव के तरफ तो इधर तो सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए हेवती से लेकर के सिंदूरिया तक मेन रोड देखिए क्या पोजिशन है, आप बोलेंगे ना एक सिर्फ बताएंगे इनको जी। अच्छा, तो अभी आप कैमरा भी कुछ बता रहे थे लेकिन आप कैमरा चालू हुआ तो बंद कर दिए, बताइए। नहीं कैमरा क्या चालू हुआ बंद कर दिए है? नहीं अभी आपने कहा कमीशन का खेल कौन करता है, कौन कमीशन का खेल जो है कि किसको छोड़े हैं लोग, क्या नाम बोला, हर आदमी को तो लूट रहे हैं वो, किसी का नाम बताने का क्या बताता है, तबाह है उनसे जनता। प्रेम सागर पटेल जी से? जी हाँ। तो आप कमीशन वाली बात आपको कैसे पता चला? नहीं कमीशन की बात नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ कमीशन की बात, चला जन जन में जो है कहना ये बात नहीं है, आ जाइए थोड़ा बता देते, बताएंगे नहीं कैमरे पे नहीं आएंगे नहीं। फिर बताएंगे उनको समझाएंगे यही बोलिए जो सत्य है वो सत्य है, कैमरा चारों तरफ जी, जो सत्य है वो सत्य है, सत्य है भाई साहब गए, आ जाइए अब तो आ जाइए, मुंह मत घुमाइए, देखिए इधर मैं बता रहा हूँ आपसे, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मान लीजिए बता ही रहे थे आपको जानकारी भी है इन सब चीज़ों को लेकर, आप बताइए पटेल जी। नहीं पटेल जी के बारे में नहीं कुछ कह पाएंगे, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है जी कि आम जनमानस से किसी भी जनप्रतिनिधि को लेना देना नहीं है जी। लोग कहते हैं गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन जब चुनाव बीत जाने के बाद कौन किसका मसीहा होता है तब पता चलता है, कोई गरीबों को नहीं पूछता है। और रही बात रोडों की,
तो आप यहाँ से सिंदूरिया चले जाइए, नहीं नहीं आप यहाँ से सिंदूरिया चले जाइए और यहाँ तिराहा से खड्डा चले जाइए। केवल कागजों की ये गणित खेल होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। सड़क भी कागज पे है, बस कागजों पे दौड़ता है केवल कागज। और अभी जाके अभी बता रहे थे कि स्वास्थ्य का जो मामला है, स्वास्थ्य सुविधा है एकदम मतलब नगर है, बद से बदतर है। यहाँ लोग हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं, लोगों को टिकट मिल जाता है, जीत जाते हैं, चले जाते हैं और कोई मतलब नहीं। फिर सवाल आता है कि योगी मोदी के नाम पर लोग वोट करने को तैयार हैं, विधायक अगर फिसड्डी है तो फिर लोग वोट क्यों कर रहे हैं? अब पार्टी के नाम पे जैसे पार्टियाँ की कुछ नीतियाँ होती हैं जिसपे लोग कुछ खड़े उतर जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता है। ये जैसे आम पब्लिक है लॉलीपॉप जैसे यहाँ। अच्छा आप बताइए, महंगाई इस सरकार में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है ना। प्रदेश सरकार कह रही उसी हिसाब से आय भी बढ़ा है। आय कहाँ बढ़ा है? नहीं वही हम मैं वही पूछ रहा हूँ ना, आय कहाँ बढ़ा है कि नहीं? नहीं बढ़ा है। जब लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगा तो आय कहाँ से बढ़ेगा? ऊपर से नहीं चूके मिल जाएगा। जब आदमी को काम नहीं मिलेगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? तो क्या लग रहा है इस बार? अभी आम पब्लिक का नहीं, आप भी पब्लिक हैं, आपके हिसाब से अखबार पढ़ते होंगे, टेलीविजन देखते होंगे, लोगों से बात करते होंगे, है ना जी। तो आपको क्या लग रहा है कि प्रदेश में सरकार आपके हिसाब से किसकी बनने जा रही है और क्यों? अब इस पर हम कुछ बता नहीं, पड़ी नहीं करेंगे कर नहीं। अब मझधार में फंसे हुए हैं लग रहा है, मामला कुछ गड़बड़ है। क्या बताइए, कारण क्या है कि जमुई फैक्ट्री नहीं चली? कारण क्या है कि विधायक जी ने वादा किया था कि नहीं? जी एकदम बिल्कुल वादा किए थे चलवाने के लिए, लेकिन नहीं चली। क्यों नहीं चली? ये रोड क्यों नहीं बना? क्या सर कारण क्या है? जनता क्या चाहती है? चलने के लिए रोड चाहिए उसको, सड़क की स्थिति खराब है, पीने के लिए पानी चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए अस्पताल चाहिए, डॉक्टर चाहिए। बिजली की बात इन्होंने, तो बिजली की बात मैंने कहा तो सही है, वो तो सही हो गया। लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ पटेल जी, जो स्थानीय मुद्दा है, क्योंकि स्थानीय मुद्दे पर ही विधायक लोग जीतते हैं, मुख्यमंत्री जी बनते हैं जी जी, तो पटेल जी काम किए हैं कि नहीं? काम तो पटेल जी ने किया है। हाँ लोग कह रहे कुछ नहीं किया, सब सिर्फ कागजों में। नहीं काम किया है क्षेत्र के लिए, लेकिन अकेले समर्थक हैं आप उनके? यहाँ पे कोई नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं। बात समर्थक की नहीं है, गड़ौरा का पैसा रुका है आज तक, कौन सा काम किए विधायक है, कौन सा काम किया? गड़ौरा का पैसा आज तक परमानेंट का नहीं दिलवा पाए। मान लीजिए बैंक से है तो बैंक से नोटिस आ जा रही है, गड़ौरा का परमानेंट बताइए, आज तक उसका परमानेंट अभी तक मिला नहीं है। सिंदूरिया का रास्ता देख ही रहे हैं, पहले सिंदूरिया को बनवाना तो जरूरी रहेगा। गड़ौरा का परमानेंट में किसी भी सरकार का चुनाव में कुछ भी कहा जाता है कि पेमेंट हो गया, कागज में यह कहा जाता है कि पेमेंट हो गया, लेकिन गड़ौरा में जिन किसानों को जो 2000 रुपया मिल रहा है उससे खुशी एक नहीं है? नहीं वो 2000 रुपया तो ठीक है, मान लीजिए खेती बाड़ी के लिए देते हैं उसे। 2000 रुपया देने से बेहतर है कि आप पर लोगों को रोजगार दें। तो रोजगार देना इतना कहाँ संभव? नहीं तो रोजगार देना प्रधानमंत्री ये भीख नहीं बताइए, बनाना संभव है ना? तो बेरोजगार ही बनावे लोगों को, कटोरा थमा देगा जब इस इलाके में कहीं फैक्ट्री लगे, रोजगार का अवसर तभी ना सृजित होगा। फैक्ट्री लगे, लोगों को रोजगार मिले, तब विधायक जी से आप लोग कहते हैं विधायक जी हम लोगों की बात नहीं सुनते हैं? क्यों नहीं सुनते? विधायक जी कहते हैं आप लोग हमको वोट नहीं दिए हैं, ये वोट तो आप लोग योगी और मोदी को दिए हैं। अच्छा कहते हैं मुझे विधायक मैंने कुछ नहीं, इतने लोग हैं आप लोग योगी मोदी के नाम पर वोट किए विधायक जी के नाम? नहीं योगी मोदी के नाम पर तो वोट किए, लेकिन विधायक जी से भी हम लोगों की कुछ अपेक्षाएं थी। आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ। आपका तर्क है कि जब विधायक जी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि योगी मोदी को आप लोग वोट किए, हमको तो नहीं किए, तो आप लोग सवाल क्यों नहीं करते हैं? फूलवा हम देखते हैं तभी ना किए? नहीं फूल तो देख के किया गया, और हम लोगों की जो अपेक्षाएं थी, जो लोग हम लोग चाहते थे, उसके तहत वो खरा नहीं उतरे। प्रेम सागर पटेल जी उसमें खरा नहीं उतर पाए। और सबसे बड़ी बात है कि इस इलाके में रोजगार का अवसर तभी सृजित होगा जब यहाँ कोई फैक्ट्री लगे। तो फैक्ट्री जब लगेगी तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनको भरपेट रोटी मिलेगी, रहने के लिए मकान मिलेगा, कपड़ा मिलेगा। अभी आप देखें शहरी क्षेत्र
और देहाती क्षेत्र है। प्रदेश सरकार कह रही है लगातार, मैं रोजगार पे ही बात करूंगा, प्रदेश सरकार कह रही है अप्रत्यक्ष रूप से आउटसोर्सिंग से तमाम चीजों से करोड़ों लोगों को रोजगार दिए हैं लोग, एक करोड़ लोगों को, तो मैं वही पूछ रहा हूँ जनता कहाँ दी है, कोई दिखाई दे रहा है जनता के बीच में आके, मैं पूछ रहा हूँ क्या इन लोगों को सबको रोजगार मिला, किसी को मिला यहाँ पे नहीं, सरकार सरकार के तरफ से किसी को रोजगार मिला? जो रखे जो रोजगार था वो भी छिन गया, हो सकता है वो लोग कहा ठेला वाला खुमचा वाला। बहुत पहले आपसे बात कहा था कि केवल कागजों में ये सब चल रहा है, जमीनी स्तर पे आप खुद वो मीडिया वाले हैं, खुद आप लोगों को पता चलता होगा कि कितने रोजगार मिले हैं और कितने नहीं मिले हैं। अच्छा, आप लोग योगी मोदी के नाम पर वोट किए तो क्या इस बार संभव है? नहीं, योगी मोदी के नाम पर तो वोट किया जाएगा, लेकिन अच्छा, मतलब नाराज, मैं आपके कहने का मतलब नाराजगी विधायक जी से नाराजगी है, लेकिन योगी मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी मोदी विधायक जी रोजगार नहीं देंगे, सरकार देगी ना? नहीं नहीं, विधायक जी इस मुद्दे को तो उठाएंगे, इस मुद्दे को तो विधायक जी उठा सकते हैं। आपके कहने का मतलब विधायक जी जो है अपनी बात ही नहीं कह पाते, नहीं कह पाते हैं क्या भाई साहब? हाँ, अपनी बात नहीं कह पाते। जैसे मामला यह है कि देखिए, अब विधायक जी तो ये सब कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे निष्कर्ष निकालना चाहिए श्री योगी जी को। योगी जी का काम है, मान लीजिए प्रदेश में है इस समय, उनका काम रहता है वो फैक्ट्री कंपनियां बैठा सकते, विधायक के हाथ में कुछ नहीं रहता पावर। उनको यहाँ पे रोजगार के क्षेत्र में अगर कंपनियां बैठाए होते, 5 साल उनका बीत गया, अभी तक गोरखपुर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्षेत्र है, सिर्फ वहाँ हॉस्पिटल है और विद्यालय। मैं एक सवाल कर, मैं गोरखपुर में 3 साल अभी आपकी बात समझ रहा हूं। बोलिए, कैंपियरगंज एक विधानसभा है गोरखपुर, फतेह बहादुर सिंह वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने इतना सड़क बनवाया, इतना सड़क बनाया, मैं बात समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, इनका एक तर्क है, इनका बात सही है, एक कह रहे हैं कि विधायक जो है, विधायक से हम लोग कहते हैं विधायक अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं, फतेह बहादुर सिंह ऐसा कुछ किए होंगे तभी तो। विधायक सड़क कमी है जी जी, वहाँ की जनता उनके शिकायत कर रही है कि हाँ विधायक जी मेरा एक काम है, मतलब इस क्षेत्र का एरिया में जो गड़बड़ी है उसको आप सुधार कीजिए, तो यहाँ के विधायक जो हुए हैं यही पहली बार जीत के यहीं पे उनका माल्यार्पण हुआ था, यहीं पे क्या बोलते हैं मंदिर के सामने हनुमान जी के पास, और उसके बाद 5 साल बीत गया, अभी तक कुछ मतलब क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। 5 साल में विधायक जी दिखे कि नहीं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी और मोदी की सरकार ने विकास किया है, जिस तरह सड़कों को बनवाया है, जितनी अच्छी बिजली मिल रही है, जितनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था किया है, जितनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं, कोरोना के समय में भी जो है भाजपा की सरकार ने सबकी मदद की है। और ऑक्सीजन से मौत हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल हुआ। आप कार्यकर्ता जिस तरह योगी आदित्यनाथ पदाधिकारी होंगे तो निकाल दिए जाएंगे? नहीं, जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी ने सहमत है प्रदेश के लोगों बहुत का अच्छा काम किया, बहुत नहीं। योगी जी कहते हैं कि ऑक्सीजनवा से मौत में नहीं हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल। ये गवर्नमेंट की क्या कर, गवर्नमेंट की बात कहेंगे, जिस गवर्नमेंट के शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री के पास कहता है कि हमारे पास आंकड़ा ही नहीं है कि कोरोना से मृत्यु हुआ कि नहीं, और पूरे इंडिया के लोग, पूरे विश्व के लोग जानते हैं कम से कम 4,90,000 लोग कोरोना से मरे, लेकिन जिस सरकार में उसके स्वास्थ्य मंत्री के पास आंकड़ा ही नहीं रहता है, वो बयान देता है कि मेरे पास आंकड़ा ही नहीं है कि लोग कोरोना से मरे हैं, तो सरकार की क्या बात करेंगे सर? श्रीमान जी, आप सरकार की बात कर रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले हैं, आप नज़र उठाकर देख लीजिए, छितौनी से लेकर के सभ्या तिराहा और सभ्या से लेकर के झंझरपुर तक, आप मीडिया के हैं, आप ही बताइए कारण क्या है, किस वजह से यह दोनों जगह का सड़क फंसाया गया? सर, मंत्री जी आए उस दिन तो कहाँ से पैसा आ गया कि रातों रात गड्ढा ढका गया? कौन मंत्री जी थे? क्या नाम है उठे? केशव प्रसाद मौर्य, पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम थे रातों रात। आप ही बोल रहे थे क्या कि जो बोलेगा जेल चला जाए? सोगी बरवाला नहीं, सोगी बरवाला रोड भरवाइए आप। हम कहाँ भरवाएंगे? तो आप जब क्यों नहीं भरवाएंगे? मीडिया से हम केवल आपकी बात, तब मीडिया से आप तब वो रोड सोगी बरवाल नहीं भरवाएंगे बताइए? अभी महंगाई पर आप बात कर रहे थे, महंगाई पर जो दाल कि आखिर क्यों रोड नहीं बना, किस वजह से फंसा हुआ है? इस समय सबसे बड़ी नहीं, सुनिए 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 मैं बता रहा हूँ, नहीं सुनिए
नहीं सुनिए, 33 करोड़ की जनसंख्या अमेरिका है, रोड बनवा करके इस समय विश्व में चैंपियन नंबर एक पर है, तो आखिर हमारे इंडिया में जो है जो विधायक हमारे यहाँ दूसरे पंचायत के अधिकारी आखिर किस कारण लोग फंसाए हुए हैं, पैसा नहीं पा रहे हैं इसके लिए फंसाए हुए हैं या अपनी आवाज को संसद में उठा नहीं पा रहे हैं, क्यों रोड फंसा हुआ है, क्यों नहीं बन पा रहा है रोड, क्यों नहीं बन, देखिए जितना जितना कट रहा है, जितनी सड़क भाजपा की गवर्नमेंट में बनी है आज भी यूपी में उत्तर प्रदेश में जितना सड़कों का निर्माण हुआ है, जितनी अच्छी बिजली मिल रही है श्रीमान जी, जितनी अच्छी सुनिए, गरीबन के विषय में आप लोग नहीं बचिया, गरीब का करता का नहीं करता, अबे बोला नहीं हम वहाँ से हमके सुनाई दिया ला अपन समय का बोला रहनी है दूसरे हाँ। और भी आपके बतिया हम सुनत रही है तुरंत खट हाँ। बोली ये बताई है देखता नहीं, भूखे मरता नहीं, कपड़ा बगैर मरता नहीं, बाल गोपाल मरता खैले बगैर, मोदी सरकार के रहने से का फायदा हमके, रोज के रहने से का फायदा हमके, बताना चाहता हूँ गरीब। अच्छा ये बताइए किसान है, हाँ किसान है, खेती खाद बीज पानी खाद मिलता है कि नहीं, समय से हम अपने धान गेहूँ बेच, आदि जोन बा की धान गेहूँ बेच के लोग कहते हैं, लोग हमारे खेत आपके पास ले आ जाए, मैं आपके सुनिए मैं आपके माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को ये कहना चाहता हूँ कि भारत की समस्याएं तभी दूर हो पाएगी जब शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य पर ध्यान देगी, और इनके मैनिफेस्टो में किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो से शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य गायब है। अच्छा ये तीनों गायब है, ये तीनों रहेगी तो सब लोग अपने आप में खुश रहेंगे, हमको रोजगार रहेगा तो हम सक्षम है, 5,000 कमाएंगे तो 3,000 बचाएंगे, 2,000 उनको हमको जरूरत नहीं देंगे तभी काम चलेगा, आजादी के बाद हर चुनाव जो है रोजगार के मुद्दे, देखिए खाद की बात की है, यहाँ किसानों को जब खाद की जरूरत थी डाई यूरिया तो यहाँ से मार्केट से गायब हो गया, और वही यूरिया 400 रुपया बोरा जब देने लगे किसान तो वह यूरिया आ गया, इस पर गवर्नमेंट चाहे हमारे विधायक जी चाहे सरकार किसी प्रकार का कोई दूसरी चीज भेजवा, सुनिए जैसे गवर्नमेंट का एक रूल है, एक मिनट बाद में जो सुन लीजिए, वोट देंगे भैया तो यही होगा, आप व्यक्ति के नाम पर उसको चुनिए जो अच्छा आदमी हो आपके बीच खड़ा हो रहा है, योगी मोदी के नाम पर वोट देंगे तो यही होगा, खाद नहीं मिलेगी समय से, पानी नहीं आएगा नहर में, नहर सब खुदवा दिए उसको बना दिए सब नदी, स्थानीय लोग विधानसभा नहीं थी अब तक, सबसे बेकार गवर्नमेंट है ये जी। सबसे बेकार गवर्नमेंट, इससे बेकार गवर्नमेंट को हम किसान हैं, किसानों को किसान विरोधी सरकार है ये, न उनको समय से वो मिलेगा, 50 किलो यूरिया था और उसको 45 किलो कर दिए, रेट वही रह गया, और किसान अगर आंदोलन करने पहुंचे तो उनको आतंकवादी पाकिस्तानी और अलगाववादी कहा गया, और अंत में उस बात को माना भी गया, माफी भी मांगी गई, सिसवा विधानसभा के लोग इनका साफ कहना है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, मैनिफेस्टो में इन तमाम चीज़ों के रहने के बावजूद कोई भी सरकार इस पर बात करने को तैयार नहीं है, ऐसे ही इन खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव, हमारा कारवां किसी अन्य विधानसभा जाएगा तब तक के लिए।